ये पूरा सोने का लगा हुआ है। ये फेंक के आते हैं डस्टबिन में, जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पब्लिक बोलती है अरशद। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो मैं भी ठीक हूं गाइस। आज संडे का दिन था तो सुबह जैसे ही मैं उठा तो फ्रेश नहीं था, तो मैंने सोचा पहले व्लॉग बना लेता हूँ सुबह ही, तो मैं नहीं बना पाया क्योंकि मेरा मूड नहीं था। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं नहा के फ्रेश हो गया तो मैं ऊपर गया छत पे। मैंने सोचा कि मैं छत पे ही वीडियो बना लेता हूँ, लेकिन वहाँ पे ना जो साइड पे रोड था ना वहाँ से गाड़ियों की बहुत शोर आ रही थी। तो मैंने अभी आया हूँ नीचे, फिर से उतर के अभी रूम में वीडियो बना रहा हूँ, वो दरवाज़ा वरवाज़ा कुंडी लगा के फिर वहीं पे वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइज आज जो वीडियो बना रहा हूँ ना मैं, ये ऐसे ही घर पर बना रहा हूँ मतलब ब्लॉग। तो अभी मेरे नेल्स हो गए हैं थोड़े से बड़े, आप देख सकते हैं, ये देखें, ये देखिए थोड़े से बड़े हो गए। तो अभी मैं अपने नेल्स काटूंगा सोने की नेल कटर से। क्या आपने कभी सोने का नेल कटर देखा है? नहीं देखा ना, सोने और चांदी का। ये मेरे अबू ने बनाया था स्पेशल मेरे लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ सोने का नेल कटर। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखें, ये है सोने का नेल कटर। ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये पूरा सोने का लगा हुआ है। ये इस पे 2 तोला सोना लगा हुआ है और ये है चांदी का नीचे वाला हिस्सा, फुल प्योर चांदी, आप देख सकते हैं। ये अभी हम सोने के मतलब नेल कटर से ना अपने नाखून काटेंगे। गाइस हम अमीर लोग हैं ना, तो हमारी चीज़ें भी ना अमीरों वाली हैं, मतलब नेल कटर भी अमीरों वाला। क्या आपने कभी कोई सोने की चीज़ इस्तेमाल की है अपने घर में? जैसे बंदा बना देता है बर्तन, या कोई चम्मच वगैरह ऐसे, या कोई नेल कटर जैसे हमने बना लिया। लेकिन गाइस यार हर किसी के पास तो नहीं होता ना सोने का नेल कटर, ये हमने खुद ही बनवाया था, तो अभी हमारा शौक था तो हमने बनवा लिया सोने का नेल कटर। तो गाइस क्या आप हर हफ्ते अपने नाखून काटते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो लड़कियां तो होती हैं ना वो तो नाखून रखती हैं, लेकिन लड़के जो होते हैं ना वो तो उनको तो काटने ही पड़ते हैं यार, वरना वो बहुत गंदे दिखते हैं उनके नाखून। लड़कियां तो फिर नेल पॉलिश लगा के अपने नाखून को ना सजा के रखते हैं, लेकिन हम लड़कों को तो काटने ही पड़ते हैं। गाइस मुझे नाखून काटने नहीं आते, आगे पीछे करके ना काट लेता हूँ, अच्छी तरीके से ना काट ही नहीं पाता। कट गया, तो गाइस पहले मैं अपने सोचा मैंने अपने रूम पे ही वीडियो क्यों ना बना लूँ, लेकिन आज हमारे घर पे आए हैं मेहमान, तो वो उधर मतलब मेरे रूम में ना कंप्यूटर पड़ा हुआ है तो उस पर ना वीडियो वीडियो चला के देख रहे हैं घर के, तो वहाँ पे शोर था, तो इसलिए मैंने सोचा इधर ही ना गेस्ट रूम में आके ना वीडियो शूट कर लेता हूँ। तो अभी गेस्ट रूम में मैं बैठ के ना वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल न्यू यूट्यूब चैनल है और इसके सब्सक्राइबर भी कम है और व्यूअर्स भी कम है, तो काइंडली आप अगर सपोर्ट करेंगे तो हमारे मतलब सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, वॉच टाइम भी पूरे हो जाएंगे और व्यूज़ भी पूरे हो जाएंगे। तो गाइज़ काइंडली आप सपोर्ट करें हमें हमारे न्यू यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज़ हमने अपने हाथों के नेल काट लिए हैं, आप देख सकते हैं सोने की नेल कटर से कैसे काटते हैं, ये देखें सोने का नेल कटर। और ये जो बना हुआ ना ये तो ऐसे ही मतलब कलर है पिंक कलर का, लेकिन ये जो ऊपर वाला हिस्सा ना ये सोने का ही है। तो गाइस हमने नाखून तो काट लिए, अभी नाखून को इधर रख देते हैं, और अभी हमारे जो ये नीचे कपड़ा लगा हुआ था ना सारे नाखून इस पे गिर गए, तो अभी हम ये फेंक के आते हैं डस्टबिन में, आगे का आपको भी बताते हैं। तो गाइस कभी तो आपने सोचा होगा कि ये भाई को हर वीडियो पे ये शलवार और कमीज़ की पहनी होती है। मैंने आपको जैसे कि पहले वीडियो में बताया था कि मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ, पाकिस्तान सिंध से, तो उसका रिवाज ही होता है शलवार कमीज़ यही पहनते हैं।
तो इसी वजह से मैं यही पहनता हूँ। कभी कभी पैंट शर्ट पहन लेते हैं ऐसे ही, मतलब ज़्यादातर नहीं पहनते, स्कूल जब जाते हैं तब भी पहनते हैं, वैसे नहीं पहनते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम यही पहनते हैं, कमीज़ और शलवार। और एक बात बतानी थी आपको कि हम अभी अपने घर में लगवाने वाले हैं वाईफाई। हमारे घर में वाईफाई नहीं था ना, तो जब मैंने ये वो शॉर्ट डाला था ना, जो मैंने रिज़ल्ट ली थी, मार्क्स अच्छी आए थे, तो वो मैंने अबू को रिज़ल्ट दिखाई थी ना, तो अबू ने बोला कि अभी आपको वाईफाई के पैसे देता हूँ, मतलब जाके खुद ही बोल दो उनको वाईफाई लगवा दो। अभी 2-3 दिन बाद ना वाईफाई भी लग जाएगा घर में, और फिर हम वाईफाई भी चलाएंगे, क्योंकि अभी जो ये हमारे ना ये जो मोबाइल चल रहे थे ना, ये डेटा पे चला देते, और डेटा बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता था, आपको खुद पता होगा, और यूट्यूब चैनल पे तो बहुत ही ज़्यादा डेटा यूज़ होता है, तो इसी वजह से हमने वाईफाई लगवा लिया। और अभी बिजली भी गई थी, आपने देखा होगा पीछे लाइट डिम हो गया होगा, तो अभी फिर से आ गई बिजली। पता नहीं हमारे शहर में बिजली को भी पता नहीं क्या है, जाता है आता है, जाता है आता है। गाइस आप लोगों से एक और इम्पोर्टेंट बात शेयर करनी थी कि ये जो नेल कटर है ना हमारे पास, मतलब मेरे पास, ये सोने का है ही नहीं। ये मैंने आपसे बस ऐसे वीडियो स्टार्टिंग होने से मैंने सोचा आज एक नाखून काटने हैं तो वीडियो भी बना लूँगा, तो ये जो नेल कटर गोल्ड कलर का है ना, तो उनको बता दूंगा कि मेरे पास सोने का गोल्ड का मतलब नेल कटर है, और ये नीचे चांदी वाला ऐसा है, तो इसलिए मैंने इसी मज़ाक में बोल दिया ये सोने का है ही नहीं, हम इतने अमीर भी नहीं है। गाइस आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।